सत श्री अकाल जी सारिया नूं, स्वागत है थोड़ा मेरे चैनल पर। उम्मीद करते हैं तुम सारे ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुशहाल होंगे। मैं बिल्कुल ठीक है। टाइम हो रहा 1:45 का दोपहर का, तो मौसम अब थोड़ा जहा ठंडा, ठंडी हवा चल रही है, बदलवाई भी है, धुप भी मध्यम है, ठंडा मौसम है, ठंड हो ही पी पूरी। पहले मैं सवेरे कोटी पाई, मैं कम करते ठंड नहीं लगती, आप कम करते तुरे फिरते ना उदो ठंड घट लगती है, तो उस तो बाद फिर ठंड लगन लग जाती, जो बह जाने काम कुम करके फिर ठंड लगन लग जाती है। मैं जो काम खत्म कर रहे बैठ के तो एकदम ठंड चढ़ गई मैंने, मैं फटाफट फिर आपकी कोटी कोटी चक्की तो पाई, बहुत ठंड है। मैनू पता नहीं ज़्यादा ठंड फील होंगे, मैनू तो बहुत ज़्यादा फील होंगी ठंड। चलो मैं खाने खाना दोपहर तो मैंने लगी पी भुख 1 बजे वाला, बनाते करते मैं लग जाएंगे 15-20 मिनट खाना खाने पहले, मैं आपका लंच करती हाँ, तो उस तो बाद देखते कि काम धंधा करना अजय का कम। हूँ ऐ लगता भी हूँ सर्दी के दिन शुरू हो गए ना, कम थोड़ा हल्का फुल्का रह गया, पता नहीं की थोड़ा जहा कम लगता हूँ, तो कोई ज़्यादा कम नहीं लगता। डस्टिंग भी रोज़ नहीं करनी पैंती, कपड़े भी मैं हूँ वीक च मैं 2 दिन करते, कम बहुत घट गया, थोड़ा ही रह गया कम। मैंने तो ऐसा लगता फ्रिज बैठ के दिन कटना बहुत औखा हो जाता, मैंने फ्री बैठना बहुत औखा लगता। मैंने हमें कोई ना कोई काम हो ना फ्री आप थोड़ा टाइम बैठ सकते हैं, जिमें आप कोई थक गए रैसट करना तो थोड़ा टाइम तो फ्री बैठा जाता हूँ, पर फ्री बैठ के लम्बे पै जाओ फोन देख लो फिर पै जाओ, ऐ टाइम पास करना बहुत ज़्यादा औखा। एक भैन ने कहा कि एग बॉयलर बारे दस्यो, एग बॉयलर दे विच देखो जी 7 एग टिक जाते ने, इन्हां विच ना 7 एग्स बॉयल हो जाते ने, ते नीचे देखो पानी पाउणा पैंदा आपां उहदे नीचे, आ जिहड़ा कप्पा ना ये मैजरिंग लई हुंदे, इहदे उपर मैजरमेंट सी जिन्ना आपां घट पानी पावांगे है ना उन्ने सैमी बॉयल्ड होणगे, सॉफ्ट बॉयल्ड सैमी बॉयल्ड, जिन्ने वध पानी पावांगे हार्ड बॉयल्ड एग हो जाणगे, क्योंकि किसी नूं सैमी बॉयल्ड पसंद हुंदे ने किसी नूं हार्ड बॉयल्ड पसंद हुंदे ने, उन्ना पानी नाल उस तरह ही उस हिसाब नाल उबल जाणगे जिन्ना पानी पावांगे आपां। तो ये मैजरमेंट लई हैगा कप दित्ता होया नाल, इहदे इहदे उपर ढक्कण, तो इत्थों आपां ऑन कर देना, तो एग बॉयल हो गए ऑटोमैटिकली अपने आप यह स्विच ऑफ हो जाता, अपन बंद करने की लोड़ नहीं हैगी, तो स्विच ऑफ हो जाता जो एग बॉयल हो जाते हैं। तो ये आप आलू भी बॉयल कर सकते, आलू भी मीनस आप छोटे आलू रखा या फिर आलू के टुकड़े छोटे करके रखा, एक बड़ा आलू तो छोटे पीस करके वह भी रख सकते, जो बच्चे से मेरे को मैं भी कई बार जल्दबाजी आलू रख उबलने रख दी सी तो वधिया बॉयल हो जाते, आप इतने आलू भी रख सकते हैं ना, ये तो मेरा आपका होगा, मैं ट्राई करती रहनी सी, ये आलू भी उबाले हुए ने मैं वो है तो एग बॉयल रहे, आलू आलू उबालने भी आपको ये पानी पाना पैंता गा, जो निचले नीचे पानी खत्म हो जाता बिल्कुल स्टीम बन के, आ पानी स्टीम ना बॉयल होंगे ना, पानी खत्म हो गया तो फिर अपना एग बॉयल हो जाते, आलू बॉयल हो जाते, तो फिर अपना बॉयलर अपना बंद हो जाता। ये हैगा एग बॉयलर, अच्छा यदा मैं तुम रिव्यू देव तो मेरे तो पूछो कमी है, बहुत वधिया यदा यूज बहुत वधिया चीज़ है, तो बहुत ईजी टू यूज़ है, कुछ नहीं करना, थोड़ा जहा पानी पाओ एग रखो तो प्लग पा दो ऑन कर दो अपने आप इन्हें ऑफ हो जाना, मेरे को कैंट का बाकी बहुत होर कंपनिया के भी आते हैं, वधिया चीज़ है जो मैं कह ऑल ओवर तुम रिव्यू देव, ये चीज़ का बहुत वधिया चीज़ है। इधर अपना आ गया लंच, हम आप करते लंच इंजॉय मटर पनीर विद बाजरे की रोटी। मैंने हम करके लैके आए थे अपने लिए चाह, मैं क्या चाह पीने तो पहले ना मैं कंबल की तय करता, बैड भी थोड़ा नीट लगे साफ लगे, तो यह ना हो मैं दोबारे कंबल च पड़ जाए, क्योंकि मैं सौ के उठी हूँ, मैं 2 घंटे सुती हाँ, मैं 2 तो लैके 4 बजे तक, हूँ 4 बजे चाह करी है, इसलिए मैं कंबल में देख के दोबारे मैं आलस आऊगा, ए होगा भी दोबारे कंबल च पड़ के निगे जो कि चाह पीए, तो भी हूँ मैं दोबारे पर कंबल च पड़ना नहीं है ना सारा दिन ना, फिर आलस जहा पै रहा, चलो ठीक है दोपहर 1 घंटा 2 घंटे तो सौंगे, पर मैं हूँ सौनी कदे कदे रोज़ नहीं सौंती हैगी, बस जिस दिन आए हूँ लेट गई नींद आ गई ठीक है ना, नींद आए तो उठ के काम कर लो है ना, तो अच्छ मैं लेट गई इस कंबल च, मैं रैसट कर लिया पर नींद मैंने बहुत वधिया आ गई, कई बार नहीं आँगी हूँ डेली ये नहीं हूँ कि आप सौना ही होंगे, अच्छ मैं पता नहीं बस कुदरती मैं नींद आ गई काफ़ी वधिया मैं नींद आई, तो मैं हूँ मैं बैड पर बैठना ही नहीं गा, क्योंकि ठंड भी चाहिए होंगे जिन्ने आप निग च निग को जाने की कोशिश करा ना उन्ने आप सुस्त होंगे लेजी हो जाएंगे, फिर मैं हूँ बैठते नहीं बैठते ना मैं कंबल च पढ़ना, इसलिए बैड मैं नीट करता, तो हूँ पी रही अपनी चाह, चाह अजक मैं पता नहीं अजवैन वाली चाह का बड़ा शौक चढ़िया होया, मैं हूँ अजक करता हूँ अजवैन वाली चाह, तो थोड़ा जहा चाह मसाला पा ला नहीं वो कद कद ऐ हों जो अजवैन वाली तो मन को फिर होर फ्लेवर फड़ लेना कद अदरक वाली है ना कद अजवैन वाली, सर्दियाँ चाह पीन का मजा आ जाता,
टाइम हो रहा 4:15 तो मैं हूँ चाह पी के हटी हाँ। मैं 2 बजे ना खाना खा के मैं सौंगी, मतलब कि 2 बजे पै गई सी, 1:30 बजे मैं खाना खा लिया। तो इन्नी सोहनी मैनू नींद आई, इन्नी सोहनी नींद आई, दोपहरे मैं कदें ही सोनी। अज पता नहीं ठंड जी सी ना, तो मेरा कंबल चो निकल जी नहीं कर, मैं उठ के पहले कंबल तय कर, मैं कहा कंबल तय करा बैड ते ना बैठा, ए ना हो दोबारे मैं कंबल च बढ़ जा, क्योंकि ठंडा मौसम आ। बाहर धुप्प नहीं हैगी, सवेरे से एक बार धुप्प निकली पर हूँ मौसम ठंडा, हवा चल रही है ठंडी। तो ठंडे मौसम च ना मल्लो मल्ल जी करता भी कंबल रजाई च बढ़ जी, निके जी हो जी है ना। तो ठंड तो मैनू तो लगती बहुत ज्यादा, ठंड हैगी सारे लगती होगी। तो मैं पहले कंबल तय करके रखे, मैं कंबल तय कर लिया, बैड अच्छी तरह नीट कर दा है ना, नहीं फिर अपना बैड भी गंदा पिया हो, कंबल खुलिया पिया होनू भी देख के आलस जाई जाता भी आप कंबल च बढ़ जाइए। तो मैं क्या 4 बज गए, 2 घंटे अज मैं सौ ली, नींद भी बहुत सोहनी आई। कई बार नींद नहीं आती ना फिर अपने तो पिया नहीं आता, नींद भी बहुत सोहनी आई, पूरे निग्गर नाल वधिया नींद आई मैंने 2 घंटे अज। तो बहुत वधिया सौंक के बहुत वधिया फील होंदा, शरीर हौला जिहा हो जाता। फिर हूँ पीते 4 बजे चाह, तो हूँ करते हैं काम, शाम को देखते हैं गुरुद्वारे भी जाना प्रशादे भरवाण, कल गुरपुरब आ सारे मेरे वालों गुरपुरब दी लख लख वधाइया, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब दी सारे लख लख वधाइया जी। शाम को गुरुद्वारे भी जावे सेवा करन, ते सवेरे भोग ते भी जावे है ना। ठीक, मौसम ठंडा, बड़ा ठंड हो गई, सर्दियों में ना सूट पाउण दा मज़ा आ जांदा, मज़ा आ जांदा सर्दियों में सूट पाउण दा है ना। तुसी लाइनिंग वाले पाओ, गर्म पाओ, सिल्की रेशमी जिहे मर्जी सूट पाओ सर्दियों में, ये नहीं हैगा कि अपने से सूट नहीं पैंदा है ना। तो गर्मियों में सूट पाना पै जाए मौत आ जाती है, लगता भी हाए हुण सूट पाउण पऊ, आउण जाण च तां नवां सूट जमा ही जी नहीं करदा गर्मी च पाउण नूं। ते घरे भी आए हुंदा भी पुल्ले पतले हल्के फुल्के पाइए, ते सर्दियां भी चाहे आए क्या रंग सूटां दे कढ़ाइयां वाले लाइनिंग वाले मजा आ जांदा पा के, सच्ची सूट बड़ा सोहना लगदा, सोहणे सोहणे सूट पा के घरे रोज आए दिल करदा भी हर रोज इक नवां सूट पाइए, ते रंग बिरंगे कोटी स्वैटर जैकेट्स पा पा के बड़ा मजा आउंदा, बड़ा वधिया लगदा मैनूं सर्दियां बहुत वधिया लगदियां ने। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲੇ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪੋਲੇ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਨੇ, ਸੂਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਗੂੜੇ ਗੂੜੇ ਸੂਟ ਪਾਏ। एक मेरी वीडियो ना भैन ने कमेंट आई, तुम स्टेन कर देना उतार दो, कॉलर तो दाग कर देना उतार दो, आ मैं यूज कर दी, मैं कितनी बार तुम दस चुकी हाँ, IFB का फैबो स्टेन रिमूवर है यार, देखो ठीक है। कोई होर कंपनी का भी आता होगा, मैं नहीं कहनी भी यही यूज करो, जो तुम्हें मिलता कर लो, मैं यही यूज करती हाँ। IFB का है स्टेन रिमूवर फैबो, मैं यही यूज करती हाँ। ये कॉलर से आप लगा सकते हूँ, जो मैं रीसेंटली एक दिन पहले तुम्हें वीडियो दिखाई थी, चाह वाला दाग भी ये उतर गया है ना, आह चीज़ मैं लगाती हूँ। कॉलर भी पीलक नहीं फट दे, लगा दो ना कॉलर तो अपने रगड़ने नहीं पैंते है, तो चाह दाग भी इन्ना उतर के मैं ट्राई कर, इस पहले मैं कभी ट्राई नहीं कर। प्राइस हैगा 200 रुपीज़ 200 फैबो IFB का। एक भैन कमेंट है तुम लें कितों, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ IFB ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ IFB ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਸਟੇਨ ਰਿਮੂਵਰ IFB ਦਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾ ਧੋਣਾ ਲਿਕੁਇਡ ਨਾ, ਆਹ ਵੀ IFB ਦਾ ਫਲੱਫ ਮੈਟਿਕ, ਇਹ ਵੀ IFB ਦਾ ਹੀ ਆ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਫੁੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਗ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸੈਮੀ 'ਚ ਵੀ, ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਲਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਲਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ ਹਾਂ, 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੀ 'ਚ ਪਾਓ ਚਾਹੇ ਸੈਮੀ 'ਚ ਪਾਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵਾਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 1/2 ਘੰਟਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਕ ਹੁੰਦੀ ਉੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੋਡੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਵਾਕ ਕਰ ਲਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕ ਕਰਨਾ, ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾਕ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।